हाय फ्रेंड्स, कंसिक्ट गेमिंग नामक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एकदम नया, फ्रेश, एकदम ताज़ा गेम प्ले। इस गेम में हम आपको दिखाएंगे दीवार के आर पार मारने वाले बंदे, मतलब कि हैकर। हमारी जो 4 नंबर बंदे थे वो हैकर थे, लेकिन वो मुझे पता नहीं थे। लेकिन बाद में पता चला कि वो हैकर है, और मेरे 2 नंबर 3 नंबर टीममेट भी बोल रहे थे कि वो हैकर है, क्योंकि स्पॉन आइलैंड में वो बहुत तेज़ भाग रहा था। तो हमें मिल चुका है एक M16, तो चलो बंदे ढूंढते हैं। ए सिमोन, चुप कर, चुप चाप रोन, चुप चाप। बैकग्राउंड में मेरी आवाज सुनाई नहीं देगा। मैं वहां पे ये कह रहा था कि वो जो 4 नंबर वाला हैकर बंदा है, वो किसी को हैक करके ना मारे, बस वो नॉर्मल तरीके से मारे। बोल दो कि एनिमी यहाँ है, बस ठीक है, लेकिन दीवार के आर पर मत मारो। ओ भाई पुष्ट है, मेरे पास बंदा है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, मेरे पे M16 है। हमारे जो 2 नंबर बंदे हैं वो बहुत अच्छे लर्निंग करवाते हैं, लेकिन वो हैकर वाला बंदा 1000 की स्पीड से उतर गया, इसीलिए भाई साहब थोड़ा गुस्से में है। ओ भाई हैकर नॉक हो गए। अरे भाई कैसे हैक लगाती हो बे? अरे तू तो हैकर नाम पे कलंक है बे। अरे चाचा काहे छुपे हो चार्ज के ऊपर, हमने तुमको देख लिए। हाँ भाई मैं जा रहा हूँ, मेरे को कवर दे थोड़ा, मेरे को कोई मार ना दे। अरे हैकर भाई जल्दी अंदर आ जाओ, मेरे पे स्मोक नहीं है। भाई बंदे में दम बहुत था, शॉर्ट गन लेके रस करा, वाह। गोलाब भाई मुझे थोड़ा कवर दियो और कोई रास ना कर दे। बॉट दादा जी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसे मुक्ति दे दिया। अरे गोलाब भाई तुम यार घुटनों पे आ गए। अरे फिनिश भी कर दिया क्या यार? हाँ भाई उसके पास जादुई शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे यार राजा भैया तुम भी गए काम से। अरे भाई 4 नंबर बता दे बंदे कहाँ है। अरे कहाँ मर रहा है यार, दीवार के आर पार। ए हैकर भाई मेरे को थोड़ा कवर दे यार। लेजेंड एक्स प्रो भाई तू तो उससे भी ज्यादा प्रो है, नाम रखने से क्या हो जाएगा, उनकी तरह खेलना पड़ेगा ना। जा भाई जा लॉबी में जाके अगली गेम की तैयारी कर। हैकर भाई तू क्या कर रहा है, मार उसे। क्या यार तुम जादू शक्ति लेके उसे मार नहीं पा रहे हो? देखा हैकर भाई कैसा लगा, ऐसे खोपड़ी फोड़ते हैं हम, तुम तुम्हारे जादू शक्ति लेके क्या कर रहे हो? मेरे को लग रहा है कि मेरा भी रिपोर्ट आने वाला है, क्योंकि मैं हैकर के साथ खेल रहा हूँ, इसलिए क्या कर सकते हैं हम, रैंडमली टीम में आ गया। अरे भाई तुम लोगों के आज बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि तुम लोग आज हैकर का सामना करने वाले हो। तो भाई कैसा लगा, हमसे पिलोगे घंटे ही लोगे? लेकिन सॉरी यार मैं अपने आप को शाबाशी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हैकर के साथ खेल रहा हूँ। देखो भाई तुम लोग गाड़ी का स्पीड देखो, 700-800 स्पीड में चला रहा है बंदा। क्या यार इतनी स्पीड में तो प्लेन भी नहीं जाता होगा शायद। भाई देखो देखो स्पीड से, देखो कितने स्पीड से चला रहा है बंदा। ओ भाई 20 सेकंड में सेवानी से रोज होगा क्या? क्या यार इनको सामने शायद बंदे दिख गए, इसलिए यहाँ रुके। अरे यार सच में रोजो में बंदे है, जादू शक्ति से देख रहा है बच्चा। ओ भाई क्या है ये? ओ भाई
मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ओ भाई देखो कितना खराब मौसम है, लेकिन ये सबको पेलता ही जा रहा है। वाह, ओ भाई देखो ये लोग घर के अंदर आराम से बैठे हैं, लेकिन ये भाई साहब नौक के ऊपर नौक निकल रहा है। उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। देखो भाई ये नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये सिस्टम के ऊपर पूरा गलत है। अगर इस घर के अंदर मैं और शायद तुम लोग होते तो कैसे लगते ब्रो? अच्छा नहीं लगता ना, तो ये नहीं करनी चाहिए। अब देखो ये बंदा नीचे रह कर सबको मार देगा, ये ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर जाने से इसको डर लगता है कहीं ये मर जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास नहीं है। ये डर होना चाहिए ब्रो, ये डर सामने वाले हैकर के दिल में होना चाहिए कि वो फेस टू फेस तुम्हें फाइट में कभी हरा नहीं पाएगा। देखो सामने दो एनिमी है, इसे यहीं से दिख गया, एक नॉक भी कर दिए, लेकिन मैं अंधा पुश मारूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। यहीं पे कोई बंदा नागिन तो नहीं बन चुका, बाद में डस लेगा, पहले चेक कर लेता हूँ। हैकर वाले भाई साहब कह रहे हैं कि एनिमी वायरस के अंदर है, तो चलो देखते हैं वायरस के पीछे कौन छुप के बैठा है। देखा ऐसे हिला हिला के मारेंगे हेडशॉट। नहीं यार क्यों भाई साहब, ये कह रहा है कि यहाँ पे और कोई बंदा नहीं है, रिलैक्स। अरे चाचा कहाँ भाग रहे हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा अय्याम मारा है। अरे ऐसे कौन लेट जाता है जमीन पे, सोने आए हो क्या यहाँ? तुम्हारे पास आ चुका है हैकर, तुम्हें डोली में उठा के ले जाएगा, देखा ना उठा ले। अरे नहीं मैंने उठा लिया। देखो भाई अगर इस मैच में मुझे चिकन भी मिल गया ना तो मुझे कोई मजा नहीं आने वाला है। देखो भाई देखो एक स्प्रे में तीन चला गया, देखो क्या हो रहा है, गाड़ी का कोई कवर ही नहीं उन लोगों के पास। बस इन लोगों को एक एडोबियम दे दो एटेक्स स्कोप के साथ, बस ये पूरा एरेंगल साफ कर देगा, यहाँ पे रिवाइव होने का मन भी नहीं कर रहा। इस तरीके से खेलने से क्या फायदा, तुम हार गेम जीत जाओगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जीत की खुशी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम बंदे से फाइट लेके एक गेम जीतोगे नॉर्मल तरीके से। तुम गेम में हजार बार मरोगे, उसके ऊपर तुम कुछ ना कुछ सीख पाओगे, लेकिन ये एक बार भी मरते नहीं, इसीलिए ये कुछ भी नहीं सीख पाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये नूब है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने जाने से डरता है, ये हैक करके भी तुम्हारी फेस टू फेस फाइट नहीं कर सकता। इससे पता चलता है कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो। वीडियो की एंड में बस मैं ये कहना चाहूँगा, कभी हैकर से मत डरो क्योंकि वो तुमसे डरता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू एंड बाय।